सब्सक्राइब करो जस्ट ह्यूमन थिंग्स को और बेल आइकन दबाइए फॉर ऑल अपडेट्स। हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, प्यार भी एक बार होता है। अच्छी ओके। अगर आपके पास कुछ बात कहने के लिए कोई ना हो तो आप वो बातें भूल जाते हैं, और शायद इसीलिए मैं भूल गई हूँ कि परफेक्ट लव स्टोरी क्या होती है। हम सबका एक रिलेशनशिप होता है ना, जिससे हमें प्यार पे भरोसा हो जाता है या कभी कभी उठ जाता है। तो यार दिस इज सो बैड, डिलीट। Really? Do you believe in old school love? No. In fact, I find it amusing. हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, okay? पर प्यार भी सिर्फ एक ही बार होता है। ये क्या बात हुई यार? Oh, thank God. वही मुझे लगा कि बाकी प्रोफाइल से तो तुम काफी स्मार्ट लग रहे थे। You know, it's nice that we are already having an honest conversation. वरना लोगों से एक्चुअली बात एक रियल कॉन्वर्सेशन कर पाने के लिए ना इतनी सारी लेयर्स ऑफ फॉर्मेलिटी के थ्रू जाना पड़ता है। ट्रू। ओके, सो टेल मी, व्हाट्स द आइडिया ऑफ द परफेक्ट लव फॉर यू? डोंट फ्रीक आउट, आई एम जस्ट आस्किंग फॉर रिसर्च, ओके? आई थिंक इट्स लाइक अ न्यूटेला जैम सैंडविच। वाओ, वियर्ड कॉम्बिनेशन। आई नो, दैट्स अ वेरी वियर्ड कॉम्बिनेशन, राइट? इट्स अ वियर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स which don't make any sense together, but if somehow you give it a chance, it tastes. Have you ever tried a Nutella jam sandwich? No. It tastes amazing. When will I know I should take a chance? You'll know. You can't miss this feeling. It's like this really strong urge to take a pee. This is mujhe abhi feel ho raha hai. Okay. No, actually, I want to take a pee. Oh, sorry. Okay, come. Congratulations. Finally, senior writer ban hi gayi aap. Thanks, ma. Haan, thanks. Arey, ab to excited ho ja thoda. This is good. Jab kuch itna bada ho jayega, to excitement bhi aa jayegi. Achha, ye Mumbai wali Reema mami hai na? Wo tere shaadi ke baare mein poochti rehti hai, hamesha. Is it just a coincidence that she is Reema mami from Mumbai? है? कुछ नहीं, आप बूमर्स को ये रेफरेंस नहीं समझ में आएगा। अच्छा, शादी माँ मेरा मन नहीं है अभी, प्लस वो दिव्यम के बारे में आपको बताया था ना, ओके क्यूपिड वाला, उसके साथ भी ठीक ठाक जा रहा है, तो जाने देते हैं ना। प्लीज ना, रीमा आंटी मुझे तंग करना बंद कर देगी, एंड प्रेशर थोड़ी ना है तुझ पर कोई, यू डिसाइड। बट माँ, ओके क्यूपिड पे मुझे किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, सब कुछ फिल्टर होके आता है। हाँ, तो यहाँ भी तो फिल्टर ही होके आते हैं ना। किससे? रीमा मामी से। And who knows, तुझे कोई एक्चुअली पसंद आ गया तो सॉर्टेड, वरना स्टोरीज तो मिल ही जाएगी। ओके, कांट बीट दैट लॉजिक। ठीक है, आप उन्हें बोल दो। माँ, मैं आपको करती हूँ कॉल, ओके? बाय। रॉन्ग डिसीजन? मतलब आप तो शराब ही पीती हो। मम्मी सही कहती है यार, आजकल की सारी लड़कियां हाथ से निकल गई हैं। आई एम नॉट मच ऑफ अ ड्रिंकर, बट एक बार हाथ खुलता है ना तो फिर नहीं रुका जाता। यू नो व्हाट, दैट्स ग्रेट, बिकॉज़ आई एम अ शेफ एट जेडब्ल्यू मैरियट एंड आई स्पेशलाइज इन बार्स। ओह, दैट्स रियली नाइस। आई मीन, आई एम नॉट इवन अ शेफ इन माय ओन किचन। वेरी बैड। सो खाना कौन बनाएगा? खाना तो सोनू ही बनाता है। सोनू? ओ, शेफ शेफ शेफ।
मतलब सोनू भैया हुए वो तो है कि नहीं? सॉरी मेरे को लगा आपकी लाइफ में और भी लड़के होंगे, क्योंकि आपकी जो फेसबुक प्रोफाइल है ना उसमें तो आप ही दिख रही थी। क्या आपकी फेसबुक प्रोफाइल भी है? वाह वाह, जस्ट किडिंग, ओके, लाइक माय फैमिली इज ग्रेट, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। दे वोंट जज यू ऑन व्हाट यू आर एक्चुअली इन योर करियर और योर ओपिनियंस और व्हाट योर ड्रीम्स आर, सो रिलैक्स। कोई दिक्कत नहीं है बाबा, आप जाइए ना जॉब करने, बैग उठाइए जाइए आराम से, लेकिन लड़कों के साथ दोस्ती क्यों करनी है? आई मीन मेरे एक्सपीरियंस में लड़के ही ज्यादा अच्छे दोस्त रहे हैं तो। मतलब आप ये कह रही है कि दो लड़कियां दोस्त नहीं हो सकती? दैट्स सच अ सेक्सिस्ट थिंग टू से। आई एम अ फेमिनिस्ट, लगता नहीं होगा शक्ल देख के, लेकिन आई एम अ हार्डकोर फेमिनिस्ट, हार्ड। आपको जो करना है करिए, लेकिन लड़कियों के साथ करिए। सो क्या लगता है, लाइक तुम्हें इससे हस्बैंड मिल रहे हैं या फिर कंटेंट? वेल, इवन इफ आई गेट अ हस्बैंड, मुझे उससे डेफिनेटली कंटेंट मिल जाएगा। व्हाट आई मेंट वाज, आर वी टेकिंग दिस फॉरवर्ड? फॉरवर्ड यार, पहले मिल तो ले ढंग से। हम मिल ही तो रहे हैं। हाँ, बट इट्स अ ज़ूम मीटिंग यार, इट्स नॉट, आई डोंट नो, इट्स नॉट रियल। अब हम मम्मी पापा को ज़ूम लिंक का इनवाइट भेज के यहाँ पे रिश्ता थोड़ी पक्का करने वाले हैं, यू नो व्हाट आई मीन? नहीं, बट तुम्हें नहीं तो बोला था तुम्हें सेटल होना है, राइट? आई डू, आई वांट टू, बट मुझे नहीं लगता कि सिर्फ शादी कर लेना सेटल डाउन करना होता है। एंड इट्स रियली नाइस टॉकिंग टू यू, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट आई जस्ट फील लाइक आफ्टर दिस कॉन्वर्जेशन हम दोनों बहुत अलग अलग जगह पे हैं, वी नॉट ऑन द सेम पेज। माँ, आपको बोला था ये अच्छा आइडिया नहीं है यार। मैंने बात की थी, एक लड़का ठीक ठाक था, बट उसकी फैमिली चाहती है कि वो कल ही शादी कर ले। एनीवे, आप प्लीज़ रीमा मामी को बोल दो कि वो अपनी मैच मेकिंग सर्विसेज ना किसी और रिलेटिव को दे दें। ओके बाय। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोलती हूँ रीमा मामी को, तू चिल कर। थैंक यू, एंड आई एम सॉरी, हमको पहले मिलना चाहिए था, बट आई गॉट रियली बिजी। इट्स ओके, अरेंज मैरिज का प्रोसेस है तो थोड़ा एक्टिव। I told you my reason, यार। Plus, हम खरबंदा परिवार की लेडीज ना, हमारी convincing powers अलग ही लेवल पे हैं। You'll see। पता नहीं, लेकिन आंटी मुझे लगता है, I think she was right। Content तो life से ही मिलता है। तुम इतने cool actually हो या बस impress करने के लिए बोलते रहते हो? I don't have to act to impress। That's me। Oh yeah। But I still can't believe that you remembered my birthday. Important चीज़ याद तो रखनी चाहिए, no? That's the thing. I don't think that birthdays are that important. क्योंकि हम अपने मरने की तरफ बढ़ रहे हैं और इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं. It's so paradoxical. नहीं, अपना हम मरने की तरफ बढ़ना सेलिब्रेट नहीं कर रहे यार. We are celebrating for what we have right now. This life. ये सब खत्म हो जाएगा ना कृति, बहुत मिस करोगे यार। That's also my point. हाँ हाँ। अगर मैं मर जाऊँगी तो मैं क्या ही मिस करूँगी? मर जाऊँगी? क्या ऑब्सेशन है तुम्हारा मरने से भाई? तुम्हें डर लग रहा है? किससे? मुझे डर नहीं लगता किसी से। Okay, Mr. Macho Man. Oh, I just remembered this funny thing. मेरे लास्ट बर्थडे पे, I was just standing here, and dude, मैं ऐसे खड़ी थी और मैं टर्न हुई। And I saw this white lady, like in a white sari, extremely pale, old, shivering, crying. Yehi pe khadi thi. I almost fainted. Seriously? Kya hua? Nahi, kuch nahi, kuch nahi. Dar lag raha hai? Nahi, thodi thodi ghabrahat ho rahi hai bas. Do you believe in ghosts? तुम्हें I told you, हम खरबंदा परिवार की औरतों के convincing power अलग ही level पे। Coffee? I'll get it. नहीं। Growing up, I used to think के हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, प्यार भी एक बार होता है।
जब प्यार होता है तो एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड फील होता है, सब कुछ फिल्मी लगने लगता है. बट नाउ आई थिंक लव इज इन द स्मॉल डिटेल्स. इतना तो अच्छा लिखा है यार, पूरा नहीं हुआ है ना अभी तक. पूरा तो हो जाएगा यार, एटलीस्ट बी हैप्पी इन द प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग इट. क्या समझा था मैंने उस दिन कि जब खत्म हो जाएगा ना ये सब तो यही फीलिंग मिस करोगी. यार तुम बस अपना डायलॉग रिकॉल करके ना स्टार्ट बन रहे हो, मेरी डेडलाइन भी जा चुकी है. डेडलाइन तो मैम लाइफ की भी है ना, इन दैट प्रोसेस ऑफ डाइंग जीना छोड़ दें हम. आप हर रोज ऐसी बकवास करते हैं या आज कुछ स्पेशल दिन है? मेरा तो रोज का ही है, यू डोंट नो. प्यार एक ऐसी चीज है जिसके बारे में शायद सबके अपने ओपिनियंस हैं. ऐसा क्या बाकी है जो ना कहा गया हो? सो हियर इज माय वर्जन ऑफ इट. आई थिंक लव इज द मोस्ट सेल्फिश थिंग इन द वर्ल्ड. It puts two selfish people together who love each other because it makes them happy. और फिर जब वो साथ होते हैं तो similarities, differences ये सब manage हो जाते हैं. In short, it's like a Nutella jam sandwich. It is this weird combination which doesn't make sense at all until it does. Hi guys. Guys. We all need an honest opportunity to connect with someone we have things in common with. Okay, Cupid lets us do that. So, if you want a shot at finding someone like we did and maybe falling in love, download karo Okay Cupid. Oh. Okay, sorry, auntie. Love you, auntie.